नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी, जो है आलू और काला चना की सब्ज़ी। काला चना बहुत फ़ायदेमंद होता है, उस बहुत प्रोटीन होता है, वो बच्चे बड़ों सबको पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर में तेल डालेंगे और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए और तब उसमें फिर हम लोग थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी एक लाल मिर्च और तेज़पत्ता हींग डालेंगे, उसका तड़का लगाएंगे। और जब वो तड़का थोड़ा सा जीरा जब थोड़ा चटक जाए फिर तब उसमें हम लोग प्याज डाल देंगे और प्याज को हम लोग थोड़े से लो मीडियम आँच पे उनको भूनेंगे। और जब प्याज भून जाए, अच्छे से भून जाए, फिर उसमें तब हम लोग थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हल्दी डाल के भूनने से बाद में सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। प्याज में पहले ही हल्दी डाल दिया कीजिए। फिर हम लोग उसके बाद उसको और अच्छे तरह से चलाएंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी अदरक एक टुकड़ा, 5-6 लहसुन की कली लहसुन और एक हरी मिर्च लेकर अच्छे से इसको कूट लेंगे। कूटे हुए का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छे से कूट लेंगे, फिर इसको हम लोग भुने हुए प्याज में डालेंगे और इनको भी अच्छी तरह से बहुत अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, ऐसे ही थोड़ा दरदरा कूटना है। दरदरा कूट के फिर उसको हम लोग भून लेंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से भून जाए फिर हम एक टमाटर, आप दो भी ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा खट्टा पसंद है तो, एक मैंने एक लिया है, एक टमाटर डाल देंगे। और टमाटर डालने के साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डालकर फिर टमाटर के गलने तक इसको अच्छे से चलाएंगे। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छा लगता है। इसको हम पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पूड़ी चावल सब पे ये सब्ज़ी चलती है। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। नमक डाल के फिर उसके बाद हम इसमें तब थोड़ा थोड़ा और मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा, ये देखिए मैं इतना डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़े से मसाले में भी काम चल जाता है, बहुत टेस्टी बनती है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कम मसाला और कम तेल में सब्ज़ी बनाऊँ। फिर इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर ढक ढक कर अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए मैंने ढक दिया है, अब इसने थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ दिया है मसाले ने। जब ये थोड़ा सा और इसको हम भूनेंगे, थोड़ा पानी डाल डाल के भूनने से प्याज टमाटर मसाला सारा कुछ अच्छे से गल भी जाता है, भून भी जाता है। मैंने दो तीन बार इसको ढका है और ढक कर भुना है। फिर देखिए ये जब अच्छी तरह से पूरा भून जाएगा, अब मैं इसमें, आप इसमें और भी अपने अकॉर्डिंग जीरा भी डाल सकते हैं, आपको जो जो मसाला पसंद है, किचन किंग डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें सब्जी डालूंगी, जो मैंने आलूओं को थोड़े छोटे टुकड़े में काट लिया है और चना दोनों को मिक्स डालूंगी इसमें। डाल के फिर इसको थोड़ा लो मीडियम आँच पे, तेज पे नहीं भूनेंगे, लो मीडियम पर इसको भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे और इसको भी वैसे ही ढक ढक कर भूनेंगे। तो फ्रेंड्स इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये सब्जी डायरेक्ट कुकर में बनाइए, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है बहुत ज़्यादा। आप सुबह सुबह भी बच्चों को लंच में ये दे सकते हैं, हस्बैंड को लंच में दे सकते हैं, या कोई आने भी वाला है तो फिर हम कुकर में आराम से जल्दी से डायरेक्ट बिना बॉयल किए डायरेक्ट बना सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए इसको कितना अच्छा कलर, अभी इतना अच्छा कलर लग रहा है। आपको ज़रूरत है तो इसमें आप थोड़ी सी कसूरी मेथी वो भी डाल सकते हैं, कसूरी मिर्च भी डाल सकते हैं। पानी डाल डाल कर इसको थोड़ा भून लें, फिर इसको ढक ढक कर इसको पकाना है। जब ये थोड़ा आधा पक जाएगा, आधा पक जाए उतना तो भूनना ही है इसको। फिर हमने ढका है, ढक ढक कर इसको फिर पकाना है। ये देखिए मैंने ढक दिया और ये
बिल्कुल भी इसमें ये ऐसा नहीं है कि कोई जो नया नया कुकिंग करता है वो नहीं बना पाएगा, इसको आराम से कोई भी बना सकता है। जिन्होंने पहले कुकिंग नहीं भी की है वो भी आराम से इसको अच्छे से बना लेंगे। ऐसा कुछ इस सब्ज़ी में है नहीं कि मतलब नहीं बना पाएंगे। और ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ा आता है इसको, इस सब्ज़ी को खा के किसी भी चीज़ के साथ। मेरे बेटे को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, उस चने की सब्ज़ी उसकी फेवरेट है। जब भी वो स्कूल से आता है बस से उतरते ही पूछता है, मम्मा क्या खाना बनाया है, तो मैं बोलती हूँ चने की सब्ज़ी बनाई हूँ। बहुत खुश हो जाता है, फिर वो उसको बहुत खुश होकर चाव से खाता है। ये हर किसी को ही पसंद आता है ये सब्ज़ी। ये देखिए कितने अच्छे से भून गया है। अब मैंने इसको पानी डालकर 3-4 सीटी इसमें लगा दिया है, 3-4 सीटी लगा दिया है। वो वाला रिकॉर्ड नहीं हो पाया था जब मैंने पानी डाला था, तो वो पता नहीं वो वीडियो डिलीट हो गई मुझसे। अब देखिए ये पानी डालकर थोड़ी सूखी थोड़ी गीली ऐसी रखनी है, बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं रखनी है, सूखी, क्योंकि पराठे में खाने लायक रखना है। उसके बाद तब और ये सब्ज़ी ये देख लीजिए इतनी टेस्टी अच्छी लग रही है देखकर। अब मैंने इसको प्लेट में पराठे के साथ सर्व कर दिया। मेरा बेटा इसको बहुत मज़े से खाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।